Good evening. Welcome at the online portal of Vijay Physics. Class 12 Foundation by Scripted Vidyarthi. Current and electricity पूरा टॉपिक हम लोग पूरी तरह से फिनिश कर दिए हैं. अब नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, मैग्नेटिक्स. मैग्नेटिक्स एक बड़ा यूनिट है. इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे ड्यू टू वेरियस शेप ऑफ वायर, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनोइड, टोराइड, मूविंग चार्ज, ये सब चीज़ें, यानी कुल मिलाकर के बायो सेवर्ट लॉ स्टडी करेंगे. फिर बायो सेवर्ट लॉ की तरह ही थोड़ा सा और एक स्मार्ट टेक्निक है, जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला प्रोवाइड करता है, ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये सीखा जाएगा. और इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक मटेरियल. ये दो तीन छोटे छोटे टॉपिक को मिला करके पूरा मैग्नेटिक्स टॉपिक बना हुआ है. तो नया यूनिट है मैग्नेटिक्स. और जो आप हल्का सा गैल्वेनोमीटर के बारे में सीखे हैं करंट में, यहाँ पर फिर से गैल्वेनोमीटर के पूरी इंटरनल जानकारी हम आपको देंगे, कैसे गैल्वेनोमीटर वर्क करता है, करंट पास करने पर कैसे मेजर करता है. और गैल्वेनोमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर की मदद से आप करंट मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, यानी अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन कर सकते हैं. ये सब चीज़ें इसमें सीखना है. ये हाईलाइटेड टॉपिक का हमने नाम ले लिया, क्या करना है. तो शुरुआत करते हैं. ये नया यूनिट इसमें हाईलाइटेड टॉपिक क्या क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड भी इधर मैग्नेटिक मटेरियल एंड थर्ड विद अर्थ मैग्नेटिज्म या टेरिस्ट्रियल मैग्नेटिज्म. ये हाईलाइट टॉपिक है जिसमें सबसे लंबा सबसे तगड़ा पोर्शन ये है. कंपटीशन में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो पहले सीखते हैं लोग, पहला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हाईलाइटेड टॉपिक का नाम है, बुक में आपके टॉपिक नाम दूसरा भी दे सकता है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये काफी लंबा टॉपिक, ये आपके न्यू चैप्टर है. लीजिए शुरुआत करते हैं. पहले ही सीखते हैं लोग बायो सेवर्ट लॉ. बायो सेवर्ट लॉ बायो सेवर्ट एक अच्छे साइंटिस्ट थे जो मैग्नेटिक फील्ड पर काफी काम किए, काफी मेहनत. एक साइंटिस्ट और थे टेस्ला, वो भी काफी मेहनत किए मैग्नेटिक फील्ड पर. और एक साइंटिस्ट और थी लोगों से पहले, बायो सेवर्ट टेस्ला से पहले, आर्मस्ट्रांग ने भी काफी काम किया मैग्नेटिक फील्ड पर, काफी रिसर्च किया. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा है, एक्सपेरिमेंट से सीखिए. पहले नोन से अननोन की तरफ आप बढ़े, प्योरली थ्योरी की तरफ बढ़े तो आपको डर लगेगा. कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें हम आपको सिखा रहे हैं उसके बारे में. टॉपिक को भी जाने दीजिए, टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, टॉपिक को थोड़ी देर बाद समझा जाएगा. ये कागज ले लिया और उसका एक सिलेंडर तैयार कर लिया, मोटा पेपर लेकर उसको लपेट लिया, या 2 रुपए का रील वाला धागा,
रील वो धागा खत्म हो जाए, धागा खाली होने के बाद जो उसका जो बचता है सिलेंडर वाला पोर्शन, जो गत्ते का दफ्तीदार, वही वाला ले लीजिए आप। इस पर धागा नहीं लिपटा है, खाली से खाली खाली। अब इस पर किसी दुकान नज़दीकी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाइए और वहाँ से 10 रुपये का या 5 ही रुपये का बाइंडिंग वाला वायर ले लीजिए। ये कापर का वायर होता है, तांबे का, ब्राउन कलर का रहे, बाइंडिंग वाला तार देंगे, तार मांगेंगे 5 रुपये में, लगभग 1-2 मीटर आपको दे देंगे। वही तार ले आकर के इस पर लपेटना सकते हैं, इस पर लपेटना। पहले ही देखिए आपको एक्सपेरिमेंट का चीज समझा रहे हैं, बहुत मजा आ जाए। तो एक शुरुआत वाला एंड और एक लास्ट में एंड रखेगा, दो एंड होंगे। और एक छोटी सी बैटरी ले ली, 6 वोल्ट वाली बैटरी, ये देख लीजिए। अब इसमें करना क्या है, इस वायर पर पेंटिंग पॉलिशिंग हुआ रहता है, तो ब्लेड लेकर के चाकू लेकर इसको हल्का से स्टीयर कर लीजिए, खुरच लीजिए। खुरचने के बाद फिर इससे अटैच कर दीजिए, एक तार को कनेक्ट कर दीजिए, एक को मत कनेक्ट करिए, ऐसे फ्री रहने दीजिए हवा में। इस पर खुरच लीजिए, इसको खुरच करके इसे हवा में ले रही, उसमें क्लिप वगैरह रहती है, चिमटी लगी होती है, तो क्या ऐसे ही केवल वायर ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब क्या, इसमें एक नीडिल, एक सुई डालिए, या जो मोटा बोरा वाला सीने के लिए जो सूजा होता है लोहे का बड़ा सा, वो ले लीजिए, उसकी नोक इसमें डाली, बाकी पिछला हिस्सा अभी बाहर है। ये गिर न जाए इसके लिए अपना हाथ लगा दीजिए, कोई ईंट पत्थर, कोई किताब उताब बुक बुक लगा दीजिए, जैसे प्लेटफार्म रख दीजिए, इसे गिरने ना पाए नीचे, बस यही काम, और कोई विशेष मकसद नहीं। भाई थोड़ा सा पोर्सन है, बाकी ज़्यादा इधर पोर्सन वेट है तो गिर पड़ेगा। अब ऐसे सपोर्ट लगा दिए, अब याद रखिए एक वायर कनेक्ट है, अगला वायर अभी कनेक्ट नहीं है, ये एक वायर कनेक्ट नहीं है, और इधर से खड़े होकर देखने मत लगेगा कि क्या हो रहा है, इधर से देखने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी, समझ लीजिए। अब क्या करना है, जैसे पौराणिक युग में, पुराने समय में रामकृष्ण के ज़माने में अदृश्य होकर के एक नाम था उसका, मेघनाथ एक करेक्टर था, रावण का पुत्र था, वो आसमान में आकाश में छिप करके ऐसे बाणों की वर्षा करता था। उस तरह से वही प्रोग्राम आप इसमें कलयुग में करने जा रहे हैं, बिल्कुल अदृश्य, बिना धनुष मार के केवल तीर निकलता हुआ दिखाई देगा। ये वायर जैसे ही बैटरी में टच कराए नहीं, तुरंत इधर तीर निकला, तुरंत इधर तीर निकल गए अचानक से, देख लीजिए। है तो डिस्ट्रक्टिव ये काम, डिस्ट्रक्टिव वर्क है, विनाशकारी, लेकिन इसका कंस्ट्रक्टिव सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना हो लीजिए। इधर किसी की तरफ इशारा करके आप मत छोड़िए, रही वो अचानक से एयर हो जाएगा, लग सकता है। आप इधर रख दीजिए साइकिल की जो ऊपर होता है, जो ऐसे घंटी लोग बजाते हैं घंटी, वही ऊपर वाली जो बाउल की तरह होता है कटोरी, वही खोल दीजिए और ले आकर के सामने रख दीजिए। अब इसका सही उपयोग कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, गलत एनर्जी का भी पॉजिटिव एनर्जी में यूज कर लेते हैं, जैसे आप करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे टच कराएंगे वायर, तुरंत ही नीडिल जाकर के जो मोटा वाला आयरन का पतली सी राड है, ये जाकर इसमें हीट करेगा, और जैसे हीट करेगा तो एक बार टन से ऐसे आवाज आएगी। फिर दोबारा आप इस खेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इधर से जो नीडिल है, जो पतली से आयरन की राड है, उसको ले आइए, फिर पीछे रखिए, फिर टच कराइए, फिर जाके एक बार हीट करेगा, तो यानी ये बन गया इलेक्ट्रिक ट्यून। इलेक्ट्रिक ट्यून में बार बार तो पूरा सिस्टम खोली, बार बार उसको ले आई, पीछे डाली, ऐसा तो करना नहीं पड़ता है। तो नया सिस्टम क्या है, आप अपनी तरफ से धीरे धीरे फिर जुगाड़ लगाइए। अब क्या करने, ये इसी प्लेटफार्म पर ये मिठाई के डिब्बे वाला रबर या पतली वाली लूज वाली स्प्रिंग ले आकर किसी में अटैच करती, अटैच करती, जैसे टच कराएंगे तो वो जा कर के हीट करेगा, फिर वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर ये स्प्रिंग मैकेनिकली इसको पीछे ला देगा। अब बार बार बजेगी घंटी, और इसलिए जो अगर लगातार टच करा रहे हैं तो ये जाकर एक बार हीट करके रुकी रहे, ये है प्रोसेस। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक ट्यून होती हैं, वैद्युत घंटियाँ, जो डोरबेल वगैरह रहती हैं, उनकी स्विचेज हमेशा ऑफ पोजिशन में रहती है, जब दबाएंगे तभी बजेंगे, छोड़ देंगे तो बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे टाइम तक इसमें करंट नहीं पास कराना है, नहीं तो ये कॉइल जल जाएगी। देख नहीं रहे केवल कॉइल ही डायरेक्ट बैटरी से छुआएं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कंडेंसर नहीं, कोई ट्रांजिस्टर आईसी नहीं, बस केवल कुंडली कॉइल बनाकर वो बैटरी से टच करा दी, ये खींच ले जा रहा है, खींच ले जा रहा है। कैसे, ये आयरन की राड है, आयरन की नीडिल है, कैसे खींच ले रहे, मैग्नेट बन गया हो, क्षण भर के लिए इसमें मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ गई,
और कैसा मैग्नेट है, सचमुच में इतना ही मैग्नेट आपने कहीं रखा ही नहीं, वो काला काला मैग्नेट जो आप देखते हैं मार्केट बाजार में लगे होते हैं स्पीकर वगैरह, कहाँ हमने रखा कुछ भी। ये करंट पास करने की वजह से ऐसा हुआ है, करंट के कमाल से हुआ है, इसीलिए इसको मैग्नेट तो कहते हैं लेकिन थोड़ा सा वर्ड जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो गया और जो अभी फिगर आप देखे हैं, इस फिगर का सही नाम है सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनोइड, इससे हम लोग तैयार करते हैं। चलिए तो थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई, मैग्नेट जो काला वाला लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करता है वो चीज ना हो, हम लोग वायर में करंट पास कराएं तो वो वायर अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है, पतले पतले आयरन के ऑब्जेक्ट को, छोटे मोटे हल्के फुल्के पार्टिकल को खींचने लगता है आयरन के पार्टिकल को, तो मैग्नेटिक बिहेवियर उसके अंदर आ गया है। याद रखिए वायर में करंट पास करने से अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये सबसे पहले हम नहीं, बायोस्वेट नहीं, एम्पियर भी नहीं, सबसे पहले आरस्टेट में होता है, पूरा से आरस्टेट को जाता है। कोई वायर हो उसमें करंट पास कर तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, तो मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप हो जाता है। लेकिन लोगों ने पूछा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, क्या यूनिट होनी चाहिए, फार्मूला कैसे बनाए, बायोस्वेट से हाथ जोड़ के निकल गए। तब आए ये बायोस्वेट, बायोस्वेट जी मैग्नेटिक फील्ड बताए तो क्या रिस्टेट भैया एकदम सही बताते हैं, करंट कैरिंग वायर हो तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा उस कितने का मैग्नीट्यूड बताया है। इसलिए बायोस्वेट ला पूरा कंप्लीट ला है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है। यहीं से शुरुआत करते हैं आप लीजिए बायोस्वेट। बायोस्वेटला क्या है पहले समझ लीजिए, फिर काफी लिखा जाए। बायोस्वेटला यही है, बहुत ही ताकतवर ला है, शुरुआत में ही सबसे तगड़ा ला हम लोग सीखते हैं। कोई वायर हो, अभी देखा गया जो कुंडली बनाए थे लपेटते गए थे उसको सोलेनोइड बोले थे, सर्कुलर शेप का हो, सीधा वायर हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, जिगजैग हो, इस तरह कोई वायर हो तो आप अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा पोर्शन हम लोग अपने स्टडी पार्ट बना रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसी डीएल लेंथ सपोज किया, इसी डीएल लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वही निकालना सिखा रहे हैं। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, चार बातों पर डिपेंड करता है, चार बातों पर, एक दो बातों पर नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी करंट पास करे उसी हिसाब से कितना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड और कितना ज़्यादा होगा जितना बड़ा आप लेंथ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टेड लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। और खास बात जो एंगल है ना, इस एंगल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सीधे नहीं, साइन लेने के बाद बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और कुछ खास बात, हाँ डिस्टेंस पर इसका रिश्ता नाता इनवर्सली है, वो भी स्क्वायर की, बी प्रोपोर्शनल वन बाई आर स्क्वायर। इन चार चीज़ों को मिलाना है फिर सेंटेंस को कैच करना है। मिलाइए बी प्रोपोर्शनल, मिलाने के लिए लंबा सा डिवीजन मार्क, ऊपर किसको रखें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई बी एल साइन थीटा, और नीचे किसकी किसको चटाई बैठाएं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही है आईडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो बी इक्वलिटी साइन लाया जाए ये आता है कांस्टेंट म्यू नॉट बाई फोर पाई, बाकी पुरानी चीजें आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जैसे कूलॉम्स लॉ में वन बाई फोर पाई चलना के आता था, वैसे बायोस्वेट लॉ में म्यू नॉट बाई फोर पाई कांस्टेंट आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का सही वाला फार्मूला। अब इसी को स्टेटमेंट जारी कर दिए तो बायोस्वेट का अच्छा वाला लॉ बन जाए। इसका स्टेटमेंट बहुत कम लोग दे पाते हैं, आप एकदम शुद्ध स्टीक एकदम करेक्ट कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं बायोस्वेट लॉ की, सीखते हैं पहले, दिमाग बैठाते हैं फिर कॉपी को सजाते हैं। पूरी बात आपने लिख दिया, याद रखिए इस बी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू, इसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर, इतना बड़ा नाम है इस बी का नाम, कितना बड़ा है लंबा चौड़ा, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करनी इतना तो डेढ़ लाइन तो बोलिए ही, हम देखिए बोल रहे हैं, हमको याद हो गए मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट टू करंट कैरिंग कंडक्टर याद हो गया। अब ये बायोस्वेट के स्टेट कर रहे हैं कंप्लीटली, फोर पॉइंट में कंप्लीट स्टेटमेंट इसका होता है। पहला बोल रहे हैं
आई मतलब करंट, डीएल मतलब सिलेक्टेड लेंथ, बाकी सब चीजें बोल जाएंगे। ठीक है, बोल रहे हैं जरा देखिए सही है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एक हो गया। दूसरा फिर से वही भी आया, फिर से वही नाम लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टेड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इतना मजा आ रहा है, लेकिन लंबा सा सेंटेंस जो और लोगों के लिए बड़ा दुखदायी है, बड़ा दिक्कत करता है, उस बात को पहले हम लोग सीख गए। फिर से इस बी का नाम क्या है, ये डेड लाइन की बात है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर से मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टेड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन सिलेक्टेड लेंथ एंड लाइन ज्वाइनिंग टू दैट पॉइंट। भाई थीटा कहाँ है, डीएल और आर के बीच में रहा है, इसी बात कहना है, और उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लास्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सिलेक्टेड लेंथ। ये चार बातें, ये यही जो नीचे आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है चौथे वाले में, इसीलिए इस बार सोवेट लॉ को एक नए सीरीज में नए एक टर्म से कॉल करते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमने फिर से आपको याद दिलाने एक बार प्रयास किया था इलेक्ट्रोस्टेट में, इनवर्स स्क्वायर लॉ कोई सिंगल लॉ नहीं है, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन वाला लॉ है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, कूलाम का जो लॉ पढ़े हैं वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, आज बायो सेवर्ट का जो पढ़ रहे हैं वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, उन सबको समेट करके एक कैटेगरी में रख सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। चलिए यही पूरी बातें हैं, इसी को कॉपी में कैद करना है, तो बायो सेवर्ट लॉ हेडिंग डालिए, इसको सिस्टम से लिखना है, या चार चीजें बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा और बी प्रोपोर्शनल वन बाई आर स्क्वायर। हम एक बार में एक सांस में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जरा देखिएगा मन में आई डी एल साइन थीटा और नीचे आर स्क्वायर सोचना। फिर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट कामा सेलेक्टेड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अभी सांस नहीं लिए। तीसरा साइन ऑफ एंगल हार्म बिटवीन सेलेक्टेड लेंथ एंड लाइन ज्वाइनिंग टू दैट पॉइंट, एंड लास्ट विद सांस खत्म हो गई। अंतिम है, फिर से सुन लीजिए लास्ट वाला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेलेक्टेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेट, जिस पॉइंट पे हम लोगों को बी निकालना है उस पॉइंट की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर। चलिए इन्हीं बातों को लिखा जाएगा, पहले तो इसकी एक दो लाइन में खूबियां गिना देते हैं। बायो सेवर्ट लॉ कहता क्या है, किसी शेप का किसी तरह का कोई कंडक्टर हो, उसमें करंट पास कर रही हो, उसके इर्द गिर्द मनचाहे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, इतनी खूबियां हैं इसकी। इसकी तारीफ कर देते हैं आगे लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी acting by Bio-Savart law, full stop. It is completely stated as, कंप्लीटली कैसे स्टेट किया जा सकता है, चार पॉइंट, तो चारों पॉइंट अलग अलग बिल्कुल अलग अलग लिखना तो लिख लीजिए और अच्छी बात, नहीं तो एक ही बार में कहते जाइए प्रोपोर्शनल 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 इनवर्सल प्रोपोर्शनल कह दीजिए लास्ट, वो भी सही। मैग्नेटिक फील्ड, चलिए
एक एक पॉइंट लिख देते हैं अलग अलग। पहला, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करेंट, वही सेंटेंस बार बार, कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी आपने बातों ही बातों बोल दिया डीबी प्रोपोर्शनल आई। डीबी मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, डीबी प्रोपोर्शनल आई। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, फिर वही बात। अब देखिए लिखने में एकदम बिल्कुल रिदम बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं, आधे पेज का मैटर हो जाएगा, लेकिन कोई डर नहीं। एग्जाम में अगर पूरा पूछा है तो पूरा लिखना है अलग अलग, दो मार्क पूछता है, सिंगल मार्क पूछता है, तो एक ही बार कहना मैग्नेटिक फील्ड। अभी बता दे रहे हैं कहां से कट करना है, तो एक ही सेंटेंस, सबसे पॉइंट वाले अलग नहीं करना। एट एनी पॉइंट ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएलपी सेलेक्टेड लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी डीबी प्रोपोर्शनल डीएम। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट किसके बोलना है, साइन थीटा, इसको भी कह दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीन पॉइंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही चौथे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन की स्पेलिंग एस आई एन ई और शार्ट एस आई एन, चार ही लेटर का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एस आई एन ई साइन ऑफ एंगल किसके किसके बीच, हॉर्न बिटवीन वही डीएल और आर, डीएल माने सेलेक्टेड लेंथ, सेलेक्टेड लेंथ एंड लाइन ज्वाइनिंग टू दैट पॉइंट। यानी आपने डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा बोला। याद रखिएगा जो सेंटेंस लिख रहे हैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ने जाएंगे, ये लास्ट में आपने कंक्लूजन के तौर पर डीबी प्रोपोर्शनल क्या लिखा है, वही वही एक स्टेप, छोटी सी चीज देखकर आपको फुल मार्किंग करेंगे। चलिए फोर्थ, फिर उसी सेंटेंस को कट एंड पेस्ट, वही सेंटेंस बार बार दोहराया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग
कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज, अब इसे यूनिवर्सली है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। ऐसे लिखते जाना, डी बी प्रोपोर्शनल आपने कह दिया वन बाई आर का स्क्वायर। चार बातें हैं अलग अलग ऐसे पीस वाइज सेक्शनली हम लोग पढ़े हैं, अब चारों को एक साथ लिख के दिखाइए मैथमेट के लिए, तो वही 1200 का लाभ बन जाएगा कंप्लीट वर्क। लाइन ड्रा कर आर इंटरमिक्सिंग एबव फोर रिजल्ट्स, मिला ये चारों एक बार फिगर बना लीजिए। तो आई है ये छोटा सा पोर्शन रंग पेन डार्क एंड ब्लैक कर रहा है, ये काला काला, इसकी लेंथ डीएल है और यहीं से आर से प्रेशर पर ये थीटा एंगल पर ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है डी बी इक्वल टू क्वेश्चन बार। ये बी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं बी से, लेकिन छोटा सा पोर्शन है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डी बी, पूरा वायर लेते कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड तब बी लिखा जाता है। चलिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लेकर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डी। अब यहाँ पर ये फिगर बना लीजिए, तो बी प्रोपोर्शनल किसके, पहला वाले में क्या था ऐसे बड़ा डिवीजन मार्क आई था, दूसरे वाले में सेलेक्टिव लेंथ, तीसरे वाले में साइन थीटा, चौथे वाले में तो नीचे था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसको, हो गया चारों को मिला दी। अब ये कैंची वाला सिंबल प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, इक्वलिटी साइन लाते हैं, इक्वलिटी साइन लाते हैं तो ये एक कांस्टेंट आता है न्यू नॉट बाई फोर पाई और आई डी एल साइन थीटा और डिनोमिनेटर में आर का स्क्वायर, ये है आपके बायो सॉल्ट का। यहां पर जो नया चेहरा आया जरा उसके बारे में सीखिए, देखिए नोट में लिख लेते हैं, पहला पॉइंट न्यू नॉट बाई जो फोर पाई की वैल्यू होती है ये होती है 10^-7, 10^-7 होता है। ये है न्यू नॉट की यूनिट, हम बताते हैं यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर नहीं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नहीं, ये होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, ये यूनिट, ये म्यू नॉट बाय फोर पाई की वैल्यू है और ये बगल सेकंड केवल म्यू नॉट पूछा जाता कोई बात नहीं, तो फोर पाई इंटू कर लीजिए, फोर पाई इंटू 10^-7 यूनिट वही, ये पाई तो यूनिटलेस क्वांटिटी थी, न्यूटन पर एम्पियर के स्क्वायर आज भी रहेगी। नाम इसका लिखा जाए, इसका नाम है परमिबिलिटी, परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी है, परमिएट कर सकता है कि नहीं, पार कर सकता है कि नहीं, परमिएबल माने पार करने योग्य, आर पार निकल जाए, परमिबिलिटी कहां की, जहां कुछ भी नहीं, आप फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलिए। एक नया एक चेहरा और था जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, इसका नाम था परमिटिविटी था ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिबिलिटी। चलिए दो चीजें हम लोग सीख गए, बाकी आई करंट है, डीएल सिलेक्टेड लेंथ है यानी मीटर में यूनिट है, साइन थीटा तो एंगल का साइन है, आर डिस्टेंस फिगर में वायर में दिखी रहे कैसे में आपको।
वायर कितना लंबा उससे जानकारी नहीं हम लोग, उसका कोई फार्मूला नाम भी नहीं। जितना पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं जिसको स्टैटिक पार्ट बना है उसकी लेंथ जरूरी है, सिलेक्टेड लेंथ। चलिए ये हो गया, अब छोटी सी बात सीखते हैं, हल्का सा बोझ कम करते हैं। यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी यूनिट सीखते हैं, क्या यूनिट सीखते हैं, फिर बायो सावर्ट का एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन देख लीजिए, पूरा टॉपिक लगभग 80% समाप्त, 80% समाप्त। एप्लीकेशन एप्लीकेशन इसका 6-7 एप्लीकेशन है, एकदमदार। लीजिए पहला यूनिट हम सिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला, टेस्ला निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट नाम था, उनके मेमोरी में उनके यादगार में टेस्ला यूनिट बन गया मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंडली द एक साइंटिस्ट थे वेबर, वेबर नहीं डब्ल्यू ई बी ई आर वेबर, इन्होंने फ्लक्स बताया। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। तो यहां से वेबर की मेमोरी में फ्लक्स की यूनिट वेबर पड़ गई कि फाई यूनिट वेबर, फाई। हम पूछें बी क्या होता तो आप कहेंगे फाई बाई, तो फाई का साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड, नेम पर बेस्ड वेबर है, नीचे एरिया तो मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है मैग्नेटिक फील्ड यूनिट। तीसरा एक हमारी तरफ से न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एम्पियर मीटर डिनोमिनेटर में नहीं चेक करो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। फोर्थ दास, एक दास मैग्नेटिक फील्ड यूनिट। देख लीजिए टेस्ला है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, और गास। ये पहला वाला, ये पहले तीन इक्वल है, इक्वल किस सिस्टम में, एमकेएस, जिसमें से एमकेएस वाला है जो पहला वाला है ये इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सेप्ट किया गया, एसआई टेस्ला एसआई, और ये टेस्ला वन वन टेस्ला वन वेबर पर मीटर स्क्वायर या वन न्यूटन पर एम्पियर मीटर सब सेम ही है, लेकिन गास ये डिफरेंट यूनिट है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस। तो लीजिए रिलेट कर देते हैं, वन टेस्ला में पॉपुलर यूनिट है टेस्ला बन जाएगी एसआई, वन टेस्ला में 10,000 होते हैं, 10^4 गास, वन टेस्ला इक्वल 10^4 गास, इसको आप नोट कर लीजिए ये रिलेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की कितनी यूनिट है, 4। जो याद हो सके आसानी से उसको याद करें, ना याद हो तो रहने दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, 4-4 यूनिट है, लोगों को एक ही 2 याद होता है। तो देखिए कौन कौन से याद हो जाता है, टेस्ला में क्या रखा है, टेस्ला और तस्ला वाला टेस्ला, तो याद ही हो गया, कभी भूल नहीं, टेस्ला या तस्ला मुंह से निकल जाए तो बहुत ज़्यादा अपराध नहीं कर रहे हैं, लगभग ठीक ठाक, बस साइंटिस्ट के साथ मजाक कर दें उनके नाम के साथ, टेस्ला। दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर हमको याद, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्योंकि 5 ये होता है, बी की वैल्यू 5 बन, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये हुआ सा। और चौथा गास में क्या रखा, गास थ्योरम पूरा पढ़ेंगे आप भाई, ये भी बड़े मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट नहीं मैथमेटिशियन थे, गास गास वाज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के राजकुमार थे, पितामह नहीं राजकुमार। फिर से मैग्नेटिक फील्ड की जो जो यूनिट आसान, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, जो आसान हो उसको याद कर लीजिए, 3 तो बहुत ही आसान है। देखिए भाई टेस्ला आसान है, इसको याद करना है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर यहू आसान, इसको याद करना है, और चौथा है गास, इसको याद कर लेना है। कौन टफ लग रहा है इसको मत याद करिए, हे यही न्यूटन पर एम्पियर मीटर टफ लग रहा है, इसको नहीं याद करना। फिर से एक बार, जो याद करना हो उसको बोल दीजिए, जो नहीं याद करना उसको गुस्से में बोल दीजिए, भाई ये याद करना ये गुस्से में कर दीजिए, इसको नहीं याद करना। फिर से क्रम से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, टेस्ला आसान है इसको याद करेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर बहुत ज़्यादा दम नहीं लग रहा है इसको भी याद करेंगे, गास तो बहुत ही आसान है इसको भी याद करेंगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी यूनिट होता है लेकिन बहुत कठिन है इसको नहीं याद करना,
न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है लेकिन नहीं आता है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोलने में मुंह दर्द करने लगता है, इसमें नहीं आता। समझ गया होंगे, जो चीज नहीं याद करना चाहते हैं उसको तीन चार बार कह के गुस्से में से कह दीजिए नहीं याद करना, तभी आप काम बन जाए। लीजिए कौन कौन से याद करना है, टेस्ला याद करना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर याद करना है, गास याद करना है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर नहीं याद करना है, भूल जाना है इसको। न्यूटन पर एम्पियर मीटर नहीं याद करना है, इसको दिमाग में नहीं रखना है, ऐसे अपना तीन चार बार कह दीजिए। यानी कुल मिलाकर के चारों याद करना है, चारों आपको याद ही हो गए, बस खाली बता दीजिए कि इसको नहीं याद करना है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर बहुत टफ लगता है, इसको नहीं याद करना है, काम बन गया। लीजिए चार मिनट हम लोग मजाक मजाक में सीख गए, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, एंड फोर्थ हो गया गास। ये अभी शुरुआत है, हल्के फुल्के चीजें सीख रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ना एकदम सिक्वेंसली खूब पढ़ने जिससे मजा आए, जरा भी बोझपन भारीपन न लगे। लीजिए आप सीखते हैं, तुरंत आइए एकदम टॉप लेवल पे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आप बायोस में, एप्लीकेशन आप बायोस में, क्रम से आप लोग याद ही लेगा एक एक करके वन बाय वन, और एक एक करके हम लोग सीखते चलेंगे, और पूरा एप्लीकेशन समाप्त, पूरा टॉपिक 80% समाप्त, 20% वही अर्थ मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म के लिए मेजर पोर्शन जिससे क्वेश्चन उठते हैं यही है बायोस वेडला के। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब पूरी बात लिखने में बहुत बड़ी हेडिंग हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इतनी बड़ी हेडिंग होनी चाहिए। कहां निकलना है सर्कुलर लूप के जैसे सेंटर पर, और उस लूप में खाली ऐसे झूठा मूठा नहीं रखा गया, करंट कैरिंग होना चाहिए। यानी लूप कापर का हो, कापर को हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम को, कंडक्टिंग वायर रहे तब तो करंट पास करेगी। अभी छोटे छोटे ऐसे लिख करके लोग रख दे रहे हैं। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, छोटा सा आर्क, कंप्लीट लूप नहीं, छोटा सा आर्क। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर लूप, पहले वाले में पॉइंट मार्क नहीं किया गया, कहां निकालना है, पहले वाले में कहां पर सेंटर पर, दूसरे वाले में कहां पर सेंटर पर, तीसरे वाले कहां पर एक्सिस पर। चलो चौथा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सीधा तार। अब सीधे तार में कई केस हो जाएं, सीधे तार में फाइनाइट लेंथ का हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, सेमी इनफाइनाइट हो, कंप्लीट इनफाइनाइट, कई चीजें देखा जाए। फिफ्थ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलेनोइड, सिक्स्थ है मैग्नेटिक फील्ड टोराइड, सातवां है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये चीज। एक और है लेकिन बायो स्वेट के एप्लीकेशन उस पर नहीं हो पाएगा, बायो स्वेट का एप्लीकेशन नहीं काम करेगा उस पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीट ऑफ वायर्स। ये एम्पियर सर्कुलर ला सीखेंगे तब लगा सकते हैं आप, कल लिख ले रहे हैं नंबरिंग में किसके किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, लेकिन आठवां वाला एकदम अनमोल है, ये बायो स्वेट
का कोई जोर नहीं इस पर, बायोसावर्ट की मदद से नहीं आता है। लिख लीजिए आठवें वाले पर स्टार मार्क लगाइए, ये बायोसावर्ट एप्लीकेशन नहीं है। जो काउंटिंग करवा दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ निकाला जाता है, किस तरह करेंट करेंगे वायर की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीट ऑफ वायर्स। तो ये आपको सात एप्लीकेशन सीखना, आठवां नहीं सीखा पाएंगे हम, आठवां भी सिखाएंगे लेकिन थोड़े समय बाद, एम्पियर सर्किट ला सीखने के बाद। तो लूप की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से बहुत पूछा जाता है, इस पर नए नए कॉन्फ़िगरेशन फिगर बनते हैं, बाकी समझना सब। दो फार्मूला हम गिफ्ट के रूप में आपको देख जा रहे हैं, कल उसके बारे में बाकी गहराई से समझा जाएगा। दो फार्मूले आज, ये लूप है, करंट कैरिंग लूप, कितनी करंट पास करे आई, इसकी रेडियस आर है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर। कितना सस्ता फार्मूला, म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर। ये वायर है जिसकी लेंथ का पता नहीं है, ऊपर कहाँ तक गया हमें नहीं जानकारी, नीचे लापता है, इसमें आई करंट पास करे तो वायर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला होता है म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई आर। देख लीजिए अरे ये तो गलती से लगता है दोनों फार्मूले एक ही हो गए क्या, जरा मैच कराइए तो। लूप की वजह से और स्ट्रेट वायर की वजह से क्या फर्क है, बहुत थोड़ा सा। लूप वाले में पाई नहीं है, स्ट्रेट वाले में पाई है, लूप वाले में सर्कमफेरेंस होता है टू पाई, और हो सकता है कहीं से पाई ये कैंसिल हो गया और पाई फिलहाल नहीं है लूप वाले, म्यू नॉट बाई टू आई बाई, इसमें म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई। याद रखिए सर्किल के सेंटर पर और स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से ये दो फार्मूले हम लोग गिफ्ट के रूप में सीख रहे हैं आज। तो कल ऐसे फार्मूले पर चर्चा होगी और खूब मज़ेदार क्वेश्चन लगाने, और लोगों की पेन फंस जाती है रुक जाती है, हम लोग खूब डिफरेंट टाइप के खूब आइसक्रीम वाले प्रॉब्लम, ट्रेंगल वाले, स्क्वायर वाले, बड़ा पाव बर्गर वाले, खूब नए नए शेप बना कर वायर को ऐड करके नए नए शेप देकर सीखें। पाँच क्लास इनके समाप्त होती है, बातें पूरी हुई, समय भी काफ़ी हो चुका है, 10 बजने करीब हैं, तो आप सब लेक्चर का एंजॉय किए हैं, पर डे थोड़ा ही लेकिन धीरे धीरे हम लोग एडवांस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सॉलिड तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखते हुए चलें, ये सबसे खुशी की बात है। तो बोर्ड में आप बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन पास नहीं, फर्स्ट डिवीजन नहीं, आप टॉप करेंगे, आपकी रैंक वन आनी है पूरे कॉलेज में, और कॉलेज में रैंक आएगी नो डाउट आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में, फाइनली स्टेट में भी आप टॉप रैंक बना सकते हैं। बस और सब्जेक्ट तैयारी को मेंटेन रखें, फिजिक्स की तैयारी आपकी फ्री में एकदम आराम से हो जाएगी। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ फिजिक्स ट्रेनिंग।